हेलो दोस्तों, मैं होकर सुसुकृत भैया। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जैसा आप सभी को पता होगा। और जिन भाइयों ने भी मेरा रिडीम कोड का वीडियो नहीं देखा, मैंने जनवरी फरवरी मैं हमेशा रिडीम कोड्स के वीडियो डालता रहता हूँ, तो भाइयों मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, आज बेसिकली हम वाउचर को अपने ग्रीन करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही सुना, हमें 3 मेडल्स और चाहिए थे। मैं अब काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा था। बेसिकली वाउचर रिसर्च आज आई है काफ़ी दिनों बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 मिनट हम बात कर लेते हैं जब तक हमारे ट्रूप कॉम्पोजिशन वगैरह पे। तो बेसिकली भाइयों आजकल, मतलब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ट्रैप्स वगैरह, तो भाई T1 T2 T1 तो बनाना वेस्ट है। T1 सिर्फ उतने बनाइए जितने कि आपके, मतलब ये जब कोई फैमिलियर्स अटैक करे तो T1 मरे, उसके लिए बनाइए। बाकी T3 T2 एक अच्छा कॉम्पोजिशन है। अगर आपको मतलब T4 को कैप करना है या T5 को कैप करने के लिए स्टैट्स बहुत अच्छे चाहिए। और अगर आपको नॉर्मल स्टैट्स हैं, जैसे कि मेरे भी मतलब कुछ खास स्टैट्स नहीं हैं अभी, ये तो बिना गेयर के हैं, तो ये 160% के अप्रॉक्स रहते हैं। तो मतलब ये 280 तक जाते हैं अभी अभी जो है नॉर्मली। तो आपको स्टैट्स अगर आपके 400 तक हैं तो आप T2 T3 से काम चला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि भाई बहुत ही मुश्किल है कैप करना T5। T5 कैप करने के लिए बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि भाई T4 को अनलॉक करिए, थोड़े बहुत T4 बनाइए, थोड़े बहुत T3 एंड थोड़े बहुत T2। बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन होगा, माइट्स भी ज़्यादा नहीं होंगे और आपको रेड्स भी बहुत कम मिलेंगे। मुकाबले देखा जाए कि अब T1 T2, तो T1 तो वेस्ट है। T1 अगर आप न्यू किंगडम में शुरुआत का ट्रैप बना रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वेस्ट है। बाकी भाई स्पीड अप्स मैं दिखा देता हूँ कितने सारे हैं। कुछ भाई हाँ मेरे से पूछते हैं कि भाई स्पीड अप्स आपको कहाँ से मिलते हैं। तो बेसिकली भाई देखो, अभी हमारे पास, मैं आपको स्पीड अप दिखा देता हूँ कि कितने हैं। 10 मिनट के 976, 15 मिनट के 323, 30 मिनट के 206, 60 मिनट के 173, 3 आवर के 35, 8 आवर के 9, 15 आवर के 9, 24 आवर के 4। एंड बात करें हम रिसर्च में तो 66, 89, 30, 127, 3 आवर के 35, 22, 15 आवर के 2, और ये हो गए हमारे ट्रेनिंग के 3 दिन के 2-3 स्पीड अप। तो भाइयों अगर हम देखें कि मतलब देखो, 2-3 तरीके होते हैं अगर आपको स्पीड अप पाने हैं। तो पहला तरीका, मॉन्स्टर हंट करिए, ज़्यादा नहीं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेवल 1 के 10-15 मॉन्स्टर डेली मारिए। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं तो 20-25 स्पीड अप वहाँ से मिल जाएंगे एक एक आवर के, अगर अच्छी किस्मत रही। नहीं तो फिर आप पैक परचेस करिए। मैं भी बीच बीच में जैसे पैक परचेस करता रहता हूँ। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी डिलीट कर दिया वो कंटेंट, बाकी मैं पैक परचेस करता हूँ धीरे धीरे। तो भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं हेली इवेंट स्टार्ट हो गया है, पूरा पूरा टाइम बचा हुआ है अभी। तो कोई नहीं, चलिए अपने पहले जो मतलब ऑन गोइंग रिसर्च है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देन माइट गेन भी आप देख लेंगे, 84.9 मिलियन के अप्रॉक्स है हमारा माइट। तो चलिए पहले गियर को पुट ऑन कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे इस पर। तो गियर देख सकते हैं मेरे ऑलमोस्ट मतलब सब गोल्ड है, बस हाँ कुछ गियर्स हैं भाई इनके लिए पैक परचेस होंगे अलग से, तभी काम बनेगा। तो चलिए पहले ऑन गोइंग रिसर्च को कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए हमारा हेल इवेंट, सोलो इवेंट, सोलो तो पूरा ही कंप्लीट हो गया, हेल इवेंट भी ऑलमोस्ट डन, 69K मोर चाहिए। तो भाई वो काफ़ी सही रहा, मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था, मतलब मिल नहीं पा रहा था, तो मैं इसीलिए कोई बात नहीं, आज आखिरकार हमें मिल ही गया। और इसी के साथ हमारा किंगडम लेबर्स का इवेंट भाई देखो, हाँ चेंज जी और लीडर वाला इवेंट मैं बता देता हूँ कहाँ से होगा। ये आपको लीडर पे क्लिक करना है, ये लेफ्ट हैंड पे जो लीडर बना है यहाँ पर, ये थर्ड थर्ड नंबर का जो स्वाइप का ऑप्शन है इसमें जाइए एंड चेंज लीडर पे क्लिक करिए। ये रेंज या फिर कोई सा भी एक लीडर चुन लीजिए, उसको चेंज क्लिक कर दीजिए कंफर्म पे, आपका लीडर चेंज हो जाएगा, ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दूसरे मिशन जो है हंटिंग वगैरह, कोलोसम रैंकिंग वगैरह, आप सभी को ये तो आते ही होंगे। हेल इवेंट का हमारा आज हो जाएगा कंप्लीट, जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी डार्क एसेंस तो आप सभी को पता ही है। तो काफ़ी बढ़िया रहा भाई, बहुत दिनों से वेट था इस इवेंट का। 85 मिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं, 86 मिलियन आने वाला है अब बेसिकली। तो कोई नहीं, चलिए इसको भी ख़त्म कर देते हैं फटाफट। बेसिकली भाइयों देखो, मतलब ये इवेंट्स वगैरह जो होते हैं छोटे मोटे,
इनको आपको करना चाहिए क्योंकि ये बढ़िया रहते हैं। अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 69 के अप्रॉक्स चाहिए, तो चलिए इसी को रिसर्च को लगा देते हैं। तो चलिए इसमें जब तक हेल्प आती है, मैं जब तक हम किसी और चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो भाइयों बेसिकली मेरा ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मतलब मैं हेल्प के चक्कर में रह जाता हूँ और इवेंट हो जाता है ख़त्म। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता, बट इसमें क्या होता है भाई, स्पीड अप बहुत वेस्ट हो जाता है। इसी के लिए बोट्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। तो कोई नहीं, हम भी कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे, उस पर भी बात करेंगे बोट्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं उन्हें। तो बेसिकली अभी हम अपने इवेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी भाई T5 कैप करने के लिए तो T4 मैं तो भाई मैंडेटरी मान के चल रहा हूँ, और T4 अनलॉक मैं तुरंत कर सकता हूँ। बट बात सारी ये है कि वॉचर रिसर्च वगैरह मैं सोच रहा हूँ कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल जाए, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। जो भाई कह रहे हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तो भाई स्पीड अप वगैरह सब रेडी है, बाकी चीज़ें भी रेडी हैं, बट मोस्टली दिक्कत यही पड़ रही है कि भाई हम मतलब हमारे पास वॉचर रिसर्च नहीं आ रहा। तो चलिए कोई नहीं, अभी हम इसको तो भाई वो चलिए इसको हम अपने ख़त्म कर लेते हैं फटाफट। ये जो हमारी रिसर्च हमने लगाई थी, जैसा कि देख सकते हैं ये अभी ख़त्म कर दी हमने। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा देखते हैं हम कितने पॉइंट्स हमें और चाहिए। बहुत ही कम पॉइंट्स चाहिए होंगे, ये देखिए 4000 पॉइंट के अप्रॉक्स चाहिए हमें। तो एक छोटा सा और रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हमारा मैंडेटरी ट्री है उसी में ही करेंगे। तो ये 7000 के अप्रॉक्स हमें देगा, तो चलिए इसी को ही ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए स्पीड अप्स की कमी नहीं है, और इसी के साथ हमारा किंगडम लेवर्स का एक मिशन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज हमारे साथ तीन तीन चीज़ें मिली हमें इसमें बेसिकली। तो चलिए कलेक्ट कर लेते हैं पहले अपने रिवॉर्ड्स को। ये देखिए रिवॉर्ड्स कलेक्ट हो गए हमारे किंगडम लेवर्स के, एंड इसी के साथ हमारा वॉचर जो है वो ग्रीन हो गया है। तो वॉचर को भी अभी हम ग्रीन कर देते हैं इसी वीडियो में, मतलब भाई बहुत ही सही सही चीज़ें मिल गई हैं। तो चलिए इसको ग्रीन कर देते हैं। ये देखिए वॉचर अब ग्रीन हो चुका है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रही हमारे लिए। इससे क्या होगा, मैं आर्मी मैक्स HP एंड ट्रेनिंग स्पीड, आर्मी अटैक, तो भाई वॉचर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको आर्मी अटैक एंड आर्मी मैक्स HP चाहिए तो गोल्ड पे। बाकी ट्रेनिंग स्पीड तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिलती है इससे एक और हमें। तो इसी के साथ वॉचर ग्रीन हो गया है एंड हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो चलिए अब हम अपने जो नेक्स्ट मतलब हमारा जो रिसर्च है उसको लगा देते हैं। और भाई T4 अनलॉक बहुत ही जल्द कर देंगे हम, क्योंकि भाई हम वेट कर रहे हैं तो बस कि हमारा ये जो रिसर्च इवेंट है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। मतलब बेसिकली बस हमें इसी चीज़ का इंतज़ार है, बाकी तो चीज़ें भाई 2 सेकंड में हो जाएंगी, उनको कोई टाइम नहीं लगने वाला इन सब में, क्योंकि ये छोटी मोटी रिसर्च है। ऑलमोस्ट मेरी जो मैंडेटरी वाली है वो सब लेवल 9 से ऊपर हैं, बाकी बड़ी बड़ी रिसर्च को हम इजीली कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें देखिए 5 डेज़ के अप्रॉक्स हैं, तो 5 5 डेज़ अगर मैं सब में लगा दूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई नहीं, चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट रिसर्च को लगा देते हैं। तो ये हमने हमारा नेक्स्ट रिसर्च लगा दिया है, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद भाई देखो T4 अनलॉक के लिए आपको ये ट्री पूरा कंप्लीट चाहिए, एकदम मैक्स आउट, एंड इकोनॉमी मैक्स आउट चाहिए। इकोनॉमी में कोई टाइम नहीं लगने वाला इसमें, तो हम स्पीड अप लगा के भी 2 सेकंड में कर देंगे पूरा। बेसिकली जो भी हमें टाइम लगेगा मिलिट्री में लगेगा। मिलिट्री में बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई इवेंट आ जाए, जैसे अभी रिसर्च इवेंट है, अभी हमारा वॉचर का इवेंट आया था जैसे, तो हमने कर लिया। मैं आपको भी यही कहूँगा कि भाई वॉचर का रिसर्च ही या फिर चार्ल्स ड्रैगन का वेट करिए, क्योंकि भाई इससे क्या होगा, आपको मेडल्स मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। और चैलेंज मिशन भाई बहुत ही टफ होता है, अगर ये चैलेंज मिशन रिसर्च में होता आज तो मैं इसको पक्का करता, क्योंकि भाई चैलेंज मिशन ईजली नहीं है, बट मैं उसको आज कर लेता क्योंकि मेरे पे स्पीड अप वगैरह बहुत सारा था आज। बट कोई नहीं, अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाई कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।